BTS के मेंबर वी फाइनली मिलिट्री में एनलिस्ट हो चुके हैं, और जब वो मिलिट्री में एनलिस्ट होने वाले थे तो उससे पहले BTS के सभी मेंबर्स के साथ उनकी फ़ोटोज़ आई थी और उनके फ्रेंड्स भी कॉन्स्टेंटली वी को लेकर स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली कोरियन मीडिया पर वी की कुछ और फ़ोटोज़ आई हैं जो कि मिलिट्री बेस के अंदर की हैं, और इन फ़ोटोज़ में वी को मिलिट्री यूनिफॉर्म में देखा जा सकता है। तो इन एक्सक्लूसिव फोटोज़ को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो तीन फोटो वी की मिलिट्री बेस से रिवील हुई हैं, जहां पर वी ने मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला रेनकोट पहना हुआ है, और देखने से ऐसा लगता है कि वहां पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और अगर आप फोटोज़ को नोटिस करो तो रियलाइज होगा कि वी के हाथ में छाता है, लेकिन छाता खोल नहीं रखा उन्होंने, वो बारिश में ही चल रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मिलिट्री में जब आप एक सोल्जर होते हो तो छाता या फिर ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, चाहे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो, आपको खुद ही सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए वी ने बस रेनकोट पहना और वो आगे चल रहे हैं। उनके चेहरे के और उनके आंखों के लुक से लग रहा है कि वी काफ़ी चेंज हो गए, मतलब मिलिट्री बेस में एंटर होते ही वी का लुक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इंसान वाला हो गया है, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि चाहे बारिश आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वी को अब कोई भी नहीं रोक सकता। और उन्होंने खुद भी बोला था कि वो स्पेशल यूनिट में जाकर खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है। ये सभी फोटो ऑफिशियल मीडिया पे ही रिलीज हुई हैं। वी के आगे पीछे काफी सारे मिलिट्री सोल्जर्स भी देखे जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वी इनके साथ एनलिस्ट होने के लिए आगे की सेरेमनी में जा रहे हैं। फॉर मी कमेंट करके बताओ कि वी की ये फोटोज आपको कैसी लगी, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।